कह रहा कि अबे गांव के गवार जाके भैंस चरा। डेजी भाई यार देखो, मैं तो ये बोलना चाहूंगा आप गांव के गवार। फाइनली एल्विस यादव ने भी नैजी को लेकर अपना रिप्लाई दे डाला है, जहां पर आप सभी जानते हैं कि नैजी और कटारिया भाई की मतलब बिग बॉस के अंदर काफी तगड़ी लड़ाई हुई, जिसमें से नैजी ने जो शब्द बोले हैं वो बिल्कुल भी किसी को भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिलहाल इसी सब चीजों को लेकर एल्विस यादव ने भी इन सभी चीजों पर रिप्लाई किया है। तो सबसे पहले आप सभी उस वीडियो क्लिप को देखें जहां पर उन्होंने नैजी को लेकर क्या कुछ कहा है। भाई साहब, मैं गुजराती पीपल, डर के नहीं रहना, डरना किस बात का है भाई? क्या सिखा के भेजा है भाई? बंदा कह रहा आंख निकाल के बाहर फेंक दूंगा, ये अनरियल बातें कर अनरियल बातें कर रहा, बताओ भाई। चलो जो भी अच्छा है, देखो मैं तो ये बोलना चाहूंगा, तो उसमें मैंने लड़ाई जो ट्विटर पे आई वो देखी, क्योंकि यहाँ जियो सिनेमा तो चलता नहीं, तो मैंने देखा उसमें कटारिया तो कह रहा कि अबे गांव के गवार जाके भैंस चरा। अरे वो लंदन के गांव के गवार कह रहा भाई, लंदन का गांव दिखाऊं तुम्हें यार? कैसी बात कर रहे हो, गांव का गवार कह रहे हो भाई? यहाँ पे जो गांव में अंग्रेज रहते गवार है क्या वो? नहीं भाई। नेजी भाई क्या कर रहे हो यार? भाई भाई का क्लाइंट है मल्होत्रा जी का, बताओ मल्होत्रा जी, बोलना कुछ अपने क्लाइंट को। भगवान सद्बुद्धि दे भाई, मत बोलो यार। Why you targeting गांव के पीपल? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एक सेकंड, एक फोन आ रहा है जी। बैक बैक भाई, नेजी भाई यार देखो, मैं तो ये बोलना चाहूंगा आप गांव के गवार कह रहे हो कटारे को, ये तो सही कह दिया। मजाक कर रहा हूँ। अरे हम भाई हम कहते अच्छे लगे, कटारे तो कुछ भी है, बाहर का आदमी थोड़ी ना कोई कुछ कह देगा। मैं भाई गलत कह रहा हूँ? बाहर का आदमी कैसे कुछ कह देगा कटारे को गाँव का गवार? ऑल दो कह चुका हो बट स्टिल नहीं कहना था भाई। नेजी भाई वेरी रॉन्ग, यू वेरी रॉन्ग यार। मैंने उतरा भाई, धमकाओ उसको, आप बड़े हो, आपकी सुन रहा भाई, ऐसे ऐसे काम मत करो। मतलब थोड़ी नाराज, देखो गांव के गवार तुम एक कटारे के साथ कितने सारे गांव के लोगों के लिए बोल रहे हो? सारे गांव के गवार थोड़ी ना होते भाई, एक सदन बनाएंगे भाई फिर आपसे। अरे शहर में भी गवार रहते हैं, ऐसे तो गलत बात है भाई। हाँ भाई, गवार का मतलब ये थोड़ी ना कि तुम गांव से जोड़ दोगे, गवार इज समथिंग एल्स। आप कटारे को बोल सकते हो शहर के गवार, सेक्टर 5 के गवार, इस टाइप का तो इस टाइप का कहना बनता है कुछ। बट स्टिल भाई चलो, ये तो हो गया, चलो मजाक साइड करते हैं, अब आते हैं सीरियस मुद्दे पे। देखो नेजी भाई, मुझे नहीं पता तुम्हारे किस मुद्दे पे क्या लड़ाई वड़ाई बचती है, तुम ना गलत गलत तरीके से उसको ले रहे हो कटारिया को ना। तुम समझते हो कि कटारिया इज वेरी प्रिपेयर्ड, वेरी प्लान्ड और सारी चीजें वो करके आया है, और तुम उसको उसी नजरिए से जज करते हो। कटारे भी कह रहा कि ये तो मेरा हेटर है। भाई क्या काम कर दिया नेजी ने हेटर बनने का भाई। तो देखो मैं तो ये चाहता हूँ, देखो लड़ाई झगड़े इस टाइप के ना हो। आप अगर सम पीपल जो जो लोग गांव से होते हैं भाई, उनको क्यों बुरा बोल रहे हो तुम, है ना भाई? अब ये भी गांव से है, किसी गांव से, गांव में खेती करते हैं ठीक है, तब तो आप लोग दूध पीते हो, खाना खाते हो। गांव में गांव में जब खेती करते तभी दूध पीते हो। जहां पर आप सभी ने इस पूरी वीडियो क्लिप को देख लिया होगा, एंड आप सभी को बता दें को जहां पर जिस तरीके से नैजी ने कटारिया को गांव का गवार बोला है, जा मतलब भैंस चरा और दूध निकाल, ये चीजें बिल्कुल भी किसी को भी अच्छी नहीं लग रही है, चाहे फिर वो कोई भी हो, क्योंकि यार वहां पर तो एक से एक गवार बैठे हैं, फिर कहने के लिए तो भाई शिवानी बैठी है, मतलब काफी सारे लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से तुमने कहा वो बिल्कुल भी किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा। फिलहाल इन दोनों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, किसके सपोर्ट में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भूले। साथ ही इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।